जगतगुरु श्री शंकराचार्य भगवान की हिंदू प्रचंड हो। जगतगुरु श्री शंकराचार्य भगवान की जय हो। अखंड श्री रामचंद्र की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महापति महादेव की जय हो। हर हर महादेव। समिति के सदस्यगण मंच में आए और आकर के पादुका पूजन करेंगे। पादुका पूजन का कार्य श्री दीपक जी संपादित कराएंगे। समिति के सदस्यगण ज्वालामालिन नहीं नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समा बोली जगदम्बा महारानी की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सम्राट ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज की पार्वती पते हर हर महादेव। पादुका पूजन के अनंतर पादुका में प्रणाम नमन स्वागत का कार्य श्री नरेश मित्तल जी आगे संपादित करवाएंगे। श्री नरेश मित्तल जी आज हमारे रेवाड़ी के अहोभाग्य हैं। हमारे बीच परम पूजने शंकराचार्य जी, उनके चरण हमारे रेवाड़ी शहर में उनकी कृपा हुई और उनकी कृपा से हमें यहाँ उनके दर्शन लाभ मिले। आज साय पीपी स्कीम 141 विजय बब्बल जी के यहाँ महाराज जी का रात्रि विश्राम रहेगा। सवेरे 6:30 बजे से 7:30 बजे तक जो भी कोई महाराज जी को अपना गुरु बनाना चाहते हों, गुरु दीक्षा लेना चाहते हों, वो कृपा समिति के किसी भी सदस्य को अपना नाम लिखवा दें। हमारे लोग हैं, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप कृपया और बाबा का सुंदर प्रांगण और सनातन की धर्म की जो गंगा बहने वाली है और जो गंगा जिनके मुखारविंद से हम ये प्रवचन सुनने वाले हैं, ऐसे हमारे 1008 स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, जिनका हम सबको आज सानिध्य प्राप्त हुआ है, आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मैं रेवाड़ी आगमन पर, ये वीरों की भूमि है, रेवाड़ी आगमन पर पूरे शहर की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। ये कितना सुंदर वातावरण है और जो सनातन के लिए जिस तरीके हम चारों तरफ देख रहे हैं, दुनिया के अंदर जितने बादल सारे चारों तरफ छाए हुए हैं और जिस पीठ से महाराज आए हैं वो आज की नहीं 8वीं सदी में शंकराचार्य जी ने अपना तप किया था चमोली में और 4 पीठ की स्थापना की थी, उसमें से पहली पीठ जो है चमोली पीठ है और श्रीमन आज उस पर वहाँ पर विराजमान हैं। मैं आपका पुनः अभिनंदन करता हूँ। और जो सारे देश के अंदर अभी हम लोग देख रहे हैं युद्ध चल रहा है अफगानिस्तान का और इसराइल का, कैसे हिलोरे मार रहे हैं, लोगों के मन के अंदर जोश आ रहा है कि इसराइल जो कर रहा है, जिसके ऊपर 7 तारीख को बमों से हमला किया गया, यदि वो बदले की भावना से जाके अपना बदला ले रहा है तो लोगों के और धर्म के लोगों के बीच में कितना मन के अंदर कहाँ कहाँ हम प्रदर्शन देख रहे हैं। और इसी तरीके से सनातन धर्म के ऊपर भी क्या क्या आक्षेप लग रहे हैं, क्या क्या सनातन धर्म के बारे में कहा जा रहा है, हम ये सब बातें श्री गुरु के मुखारविंद से सुनने के लिए हम आए हैं। मैं सारे शहर की तरफ से पुनः आपके चरणों में वंदन करता हुआ मैं आपका स्वागत करता हूँ और रेवाड़ी आगमन पर
हम चारों ओर हर्ष की जो बेला बह रही है, मैं आपके श्री चरणों में उसको समर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जगतगुरु श्री शंकराचार्य। समुपस्थित संत वृंद, विद्वत वृंद, सुधी श्रोताजन, आदरणीय मातृशक्ति, बाल गोपाल, आज जैसा कि आपने बताया, वीरों की भूमि रेवाड़ी में आने का सुयोग बना। ये सुयोग इसलिए बना क्योंकि हमने हरियाणा की यात्रा की। हरियाणा की यात्रा क्योंकि हमको अपने क्षेत्राधिकार को देखना था कि जिस पद पर हमको बैठाया गया है उसका जो रिस्ट्रिक्शन क्षेत्राधिकार कहाँ तक है, वो क्षेत्राधिकार पूरा उत्तर भारत है जिसमें 12-13 प्रदेश आते हैं। 12-13 प्रदेशों में हरियाणा ही को पहले हमने क्यों चुना, इसलिए कि जब हमारे सहयोगियों ने हमको हमारे क्षेत्राधिकार के प्रदेशों की सूची पकड़ाई और हमने उस सूची को पढ़ा तो सभी प्रदेशों के जो नाम थे उनमें एक हरियाणा का नाम हमको दिखाई दिया जिसमें हरी का नाम था। और हरी का ही नाम नहीं था, साथ में आना भी सुनाई दे रहा था। जैसे ही हरियाणा हमने पढ़ा तो आना 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 ये गूंजने लगा, तो हमको लगा कि कोई बुला रहा है, चलो पहले हरियाणा चलो। हमारे जो सहयोगी थे, जब हमने ये निर्देश दिया कि हरियाणा की यात्रा सबसे पहले होगी, तो उन्होंने हाथ जोड़े हमारे सामने, कहा थोड़ा सा विचार कर लीजिए। हमने कहा आप लोगों को समस्या कोई हो तो बताइए। उन्होंने कहा क्षेत्राधिकार देखने के लिए आप पहली बार जा रहे हैं, जहां हम लोगों का पहले से सघन काम है, जहां हमारा परिचय है, वहां अगर पहले कार्यक्रम बनाया जाए तो अच्छा होगा। जिस प्रदेश का आप नाम ले रहे हैं, हम कार्यकर्ता गण वहाँ पहले कार्य किए हुए नहीं हैं और आप भी वहाँ ज़्यादा गए नहीं हैं, इसलिए जहाँ पहले से हम लोगों का परिचय है, आना जाना है, कुछ किया धरा है, वहाँ जाना चाहिए। बाद में फिर हम लोग हरियाणा देखेंगे। व्यवहार की दृष्टि से तो उनकी बात ठीक थी, लेकिन हम तो हरी हरी को देख रहे थे और हरी से तो हम लोगों का सदा से परिचय है, सदा से व्यवहार है, दिन रात उन्हीं में तो मन लगाए हुए हैं। तो हमने सोचा कि हरी से जब हमारा काम है तो फिर अपरिचय की कोई बात नहीं है, चलते हैं। अरे सीधा सीधा हमारा परिचय नहीं है, लेकिन हमारी परंपरा का, हमारे सनातन धर्म का परिचय तो है और उस संबंध से, सनातन धर्म के संबंध से हम लोग आपस में जुड़े हुए। आज आप हमको देखें, हम आपको देखें, आज हमारा आपका संबंध स्थापित हो, केवल इतना ही तो नहीं है। असल में हमारा आपका संबंध आज से न जुड़ सकता है और न आज जुड़ने वाला है। हमारा आपका संबंध तो जाने कब से हमारे गुरुओं ने जोड़ रखा है और इसीलिए हम भी सनातन धर्मी हैं और आप भी सनातन धर्मी हैं। ये जो धर्म का सीमेंट है, इसने हम लोगों को घने जोड़ रखा है और उसी पे हमारी पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई।
ये आज से नहीं है और ना आज समाप्त होने वाला है। ये क्या है? सदा रहने वाली चीज है और सदा रहने वाली होने के नाम नाते ही इसका नाम सनातन है। सना ये संस्कृत भाषा का शब्द है, हिंदी में समझ लो तो सना माने सदा। इसलिए आप चाहे तो अपने धर्म का नाम सनातन कहें और अगर आपका मन हो साफ करके कहने का तो आप इसको सनातन धर्म भी कह सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही, सनातन धर्म माने सनातन धर्म, सनातन माने जो सदा रहे। सदा का मतलब क्या है? काल को तीन खंडों में बांटा गया है, एक है भूतकाल, एक है वर्तमान काल और एक है भविष्य काल। तो जो भूतकाल में भी था, जो वर्तमान काल में भी है और जो बिना किसी शंका के भविष्य में भी बना रहने वाला है, उसी का नाम सदातन हो सकता है। और वो सदातन ये धर्म है जिसका पालन हम और आप करते हैं। बाकी धर्म सनातन नहीं है। असल में तो डिबेट ये है, वस्तु स्थिति ये है, जब हम ये कहते हैं कि बाकी धर्म सनातन नहीं है तो उसका मतलब ये होता है कि उनके शुरू होने की कोई तारीख है, कि अमुक तिथि से ये शुरू हुई है। जो अमुक तिथि से शुरू होता है उसको उसका अंत भी अमुक तिथि को हो जाता है। ये नियम है, अटल सिद्धांत है। गीता जी में भगवान ने बताया जातस्य ही ध्रुव मृत्यु हो, जात माने जो उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है। ध्रुव, ध्रुव शब्द हमारे यहाँ अकाट्य होता है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु हो, जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, किसी हालत में टल नहीं सकती। आप देखिए मृत्यु को टालने के लिए कितना कितने लोगों ने प्रयास किया। जब हम अपने इतिहास पुराण को सुनते हैं तो उसमें पता चलता है कि बहुत से लोगों ने मुझे मृत्यु ना आए इसके लिए प्रयास किया, एक से एक प्रयास किए हुए हैं लोग। मैं मरूं नहीं, यही उनका प्रयास रहता है। आप देखिए हिरण्यकशिपु नाम का एक दैत्य हुआ, उसने तपस्या की और जब भगवान उनके सामने आके प्रकट हुए, बोलो तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हैं, मांगो वरदान, कहा हमारी मृत्यु ना हो यही वरदान हमको दे दी। प्रायः जो असुर श्रेणी के लोग हैं वो अपने शरीर को ही आत्मा समझते हैं, इसीलिए शरीर को सुनिश्चित रखना चाहते हैं, बचाए रखना चाहते हैं। हम जो देव संस्कृति के लोग हैं हम शरीर को आत्मा नहीं मानते, हम ये मानते हैं कि आत्मा शरीर से विलक्षण है। शरीर तो उसके रहने का घर है, अभी आके रह रहा है, अगर शरीर घर में आग लगेगी हमारे तो हम क्या करेंगे? आपके घर में अचानक आग लग जाए आप क्या करोगे? दौड़ के बाहर निकल के अपने आप को बचाए रखोगे और फिर दूसरे घर में जाकर के रात रुक जाओगे? इसी तरह से जैसे ही हमारे घर में आग लगती है, इसमें रहने वाला जो शरीर ही है आत्मा, वो किसी और घर में जाकर के निवास करने लगता है, कोई और शरीर प्राप्त कर लेता है, इसलिए वो मरता नहीं है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित है। दो चीजें निश्चित है संसार में, किसी हालत में बदल नहीं सकती, इसीलिए इनके साथ ध्रुव शब्द लगा दिया है, अटल अकाट्य। तो जो जन्मा है वो मरेगा और जो मरा है वो जन्मेगा, तय है। और जो जन्मता है उसी की तारीख होती है। आप देखिए हम सब की तारीख है शरीर की, कि हमारा शरीर अमुक समय में जन्मा और बाद में फोटो जब लगेगा तो उसमें एक और तारीख लिखी जाएगी। आपने देखा है ना अपने पूर्वजों की, हम लोगों ने लिख रखा है अमुक तिथि से अमुक तिथि तक।
यही नियम है। तो जब हम विचार करते हैं तो पता चलता है कि जिस चीज का कोई और छोर नहीं होता, मूल नहीं होता, वो वस्तु होती ही नहीं है असल में। इसीलिए ये संसार को जो मिथ्या कहा, आप लोगों ने वाक्य सुना होगा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। लोग कहते हैं भगवान शंकराचार्य जी ने ये वाक्य कहा है, असल में भगवान शंकराचार्य जी का वाक्य नहीं है, ये उपनिषद वाक्य है। भगवान शंकराचार्य जी ने तो इसकी व्याख्या की, श्लोकार देन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना पर रहा। वो कहते हैं आधे श्लोक में वो बात बताए देता हूँ जो करोड़ों ग्रंथों में बताई गई है, और वो बात क्या है, वो बात यह है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शंकराचार्य जी ये झूठ बात बोल रहे हैं, ब्रह्म सत्य है कहाँ है, न कहीं दिखता है, न कहीं हम उसको छू सकते हैं, न उसको सुन सकते हैं, कुछ नहीं। उसका तो जो पांच हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियों में से किसी भी एक ज्ञानेंद्रिय से उसका ज्ञान नहीं होता है, फिर कैसे उसको हम सत्य कह दें। और जिन वस्तुओं का, जिस संसार का आंखों से हम देख भी सकते हैं, हाथों से हम छू भी सकते हैं, नाक से सूंघ भी सकते हैं, कान से सुन भी सकते हैं, और जीभ से जिसका स्वाद भी ले सकते हैं, ऐसे संसार को मिथ्या कह रहे हैं। ये तो सत्य है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, असत्य कहाँ। तो जो चीज स्पष्ट रूप से सत्य दिखाई दे रही है उसको असत्य कहना, और जो इंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों के विषय ही नहीं है उसको सत्य कहना, ये कहाँ तक सही है, ये प्रश्न उठाते हैं लोग। तो ऐसी परिस्थिति में विवेचना करके बताना पड़ता है। गीता जी में बताया कि वो वस्तु अस्तित्व में नहीं मानी जा सकती जिसका आदि और अंत नहीं होता, आदि और अंत होता है। जिस भी वस्तु का आदि होगा उसका अंत होगा ही होगा, ना होने का सवाल ही नहीं। अभी तक जितनी चीजें शुरू हुई हैं, भले ये सृष्टि ही क्यों ना हो, आप जानते हैं कि सृष्टि उत्पन्न होती है तो इसका भी प्रलय होता है, माने इसका भी अंत हो जाता है। तो हमारे यहाँ जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो जन्मा है, जो आया है वो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंक पटकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बदे जंजीर, वो अलग बात है, लेकिन जाना सबको है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब मरण धर्मा है, सब समाप्त होने वाला है, नश्वर है। तो जो नश्वर है वो उत्पन्न हुआ इसीलिए नश्वर है, अन्यथा नश्वर नहीं हो सकता। जन्मा है इसलिए मरेगा। तो जब हम ये कहते हैं कि बाकी के धर्म सनातन धर्म नहीं हो सकते, तो इसका मतलब है इसीलिए सनातन नहीं हो सकते क्योंकि उनके आविर्भाव की एक तारीख बताई जाती है कि अमुक तिथि को अमुक व्यक्ति के द्वारा इस धर्म की उद्भावना की गई। तो जिसकी जन्म की तारीख है उसके मरने की भी तारीख आएगी ही आएगी, चाहे देर से आए चाहे सवेर से आए। लेकिन आपके सनातन धर्म की आविर्भाव की कोई तारीख, आप लोग तो जीवन बिता चुके सत्संग करते हुए, आपके सनातन धर्म की तारीख कोई नहीं बता सकता। इसीलिए जो आविर्भूत नहीं हुआ उसका अंत भी नहीं होगा। जो अनादि है वही अनंत है, और जो शादि है वो शांत भी है, नियम है। इसीलिए कहा अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, गीता जी का श्लोक बता रहे हैं, कहा कि अव्यक्तादीनि भूतानि, ये जो प्राणी हैं ये पहले अव्यक्त थे, पहले जैसे आप हैं, किसी को भी इसमें से ले ले, पहले वो नहीं था, फिर अमुक तारीख को हो गया, और फिर अमुक तारीख को फिर वो नहीं रहेगा। तो जिसके जो पहले नहीं था
और जो बाद में भी नहीं रहेगा वो बीच में है, ये कैसे कह सकते हो? कोई चीज अस्तित्व में होगी तो फिर वो आदि में भी होना चाहिए। आदि में नहीं है और अंत में भी नहीं रहेगा, केवल बीच बीच में है। बीच बीच में जो चीजें होती हैं वो वास्तव में नहीं होती हैं, वो केवल प्रतिभास होती हैं। जैसे आपके ये जो बाल भवन है, इस बाल भवन के बगीचे में जो पेड़ लगे हुए हैं उनका आदि है, उनका पहले उनको मिट्टी में बीज डाला गया, फिर पौधारोपण होकर के धीरे धीरे बड़े होकर के अब खड़े हैं, तो उनका है ना कुछ मूल है। और जिसका मूल ही नहीं होगा वैसा पेड़ हो सकता है कि भाई पेड़ तो है लेकिन इसका मूल नहीं? ऐसा भी पेड़ होता है। कहाँ होता है? जब जादूगर की जादूगरी देखने के लिए हम जाते हैं, मैजिशियन का शो, उसमें वो यूं करके एक पेड़ निकाल देता है, यूं करके एक फूल निकाल देता है, निकालता है कि नहीं? वहां कोई मिट्टी नहीं होती है, कोई गमला नहीं होता है, उसको कोई सींचना नहीं पड़ता है, बस सीधे यूं किया और पेड़ पैदा हो जाता है। तो वो जो पेड़ है जो बिना मिट्टी के, बिना बीज के, बिना खाद पानी के उग जाता है, वो वास्तविक होता है? वो वास्तविक नहीं होता, वो केवल देखने के लिए होता है। उसी तरह से जिस भी वस्तु का मूल नहीं होगा वो वस्तु वास्तविक नहीं होगी, वो वस्तु केवल प्रतिभास होगी, देखने में लगेगा कि है लेकिन वास्तविक नहीं होगी। तो ये जो संसार है इसका मूल पता नहीं, और इसीलिए इस संसार के अस्तित्व को भी जो ज्ञानी लोग हैं वो इनकार कर देते हैं कि ये वास्तव नहीं है, प्रतिभास है, केवल दिखता है। जैसे फिल्म के पर्दे पर पहाड़ भी दिख जाता है, नदी भी दिख जाती है, घोड़ा हाथी भी दिख जाता है, मोटर कार भी दिख जाती है, लेकिन होता है? होता कुछ नहीं है लेकिन दिखता सब है। कई लोग रोने लगते हैं, कई लोग हंसने लगते हैं देख देख कर, कई लोग गुस्से में आ जाते हैं, ये सब होता है, लेकिन असल में वहाँ ना हाथी है, ना घोड़ा है, ना पहाड़ है, ना पत्थर है। ऐसे ही ये संसार भी प्रतिभास मात्र है, वास्तविक नहीं है। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या सनातन। इसीलिए हमारा धर्म सनातन कहा गया, और बाकी के धर्मों की चूंकि आविर्भाव की तारीख है इसीलिए उनका अंत भी सुनिश्चित है, वो सनातन नहीं हो सकते। और धर्म ये जो हम कह रहे हैं कि बाकी धर्म, असल में ये भी कहना हमारा अच्छा नहीं, क्योंकि धर्म शब्द केवल हमारे साथ ही जुड़ सकता है, बाकी कोई धर्म कहलाने के लायक नहीं है। क्योंकि धारणा धर्म इत्याहुः धर्मो धारयते प्रजाः। धर्म उसको कहा जाता है जो हमारे अस्तित्व का धारण करे, जो अस्तित्व को धारण ही नहीं करता है वो धर्म शब्द से कहे जाने लायक नहीं। और वैसे भी व्यवहार की दृष्टि से देखें तो धर्म शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, धृ धारण धातु से उत्पत्ति होती है। तो संस्कृत भाषा का जो शब्द है वो ये लोग नहीं अपना सकते, जो बाकी जिन जो लोग अपने आप को धर्म कहते हैं वो कोई भी हों, आप उनको समझ सकते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। वो लोग संस्कृत भाषा को स्वीकार नहीं करते, उनकी अपनी अपनी भाषा। तो जब उनकी अपनी अपनी भाषा है तो अपनी अपनी भाषा में अपना नाम रखते हैं। अगर किसी हमारे सनातन धर्मी को अपने धर्म में वो लेना भी चाहते हैं तो उसका जो नाम संस्कृत भाषा में है आज की तिथि में, उसको बदल करके अपनी भाषा के शब्द में उसका नाम रखते हैं, तब उनको संतोष होता है। तो जब हमारे व्यक्ति को जिसको आप धर्मांतरित कर रहे हो उसको जब अपने में लेते हो तो अपनी भाषा में उसका नाम रख देते हो, तब तुमको संतोष होता है, तो फिर हमारे संस्कृत भाषा के धर्म शब्द को तुम अपने साथ कैसे जोड़ सकते हो? जोड़ ही नहीं सकते। तो इसलिए धर्म केवल धर्म कहने से हमारे सनातन धर्म का ही बोध होता है। इसके साथ सनातन जो विशेषण लगाया गया है वो इसलिए कि बाकी लोग भी जो धर्म धर्म अपने आप को कहते हैं उनसे विशेषण जो है व्यावर्तक होता है, पहचान अलग करा देता है। तो उस दृष्टि से हम लोग अपने धर्म को सनातन कहते हैं, अन्यथा धर्म शब्द पर्याप्त है। हम धार्मिक हैं इतना कहना पर्याप्त है, इसका मतलब ही है कि हम सनातन धर्म के मानने वाले हैं।
हमारा धर्म सनातन। हमारे धर्म का नाम सनातन क्यों हुआ? इसलिए हुआ बंधुओं, क्योंकि यह सदा रहता है, या जो चीज सदा रहती है उसका बोध कराता है। सदा कौन सी चीज रहती है? तो आप देखिए, इस संसार में जो चीजें हैं, जैसे वैज्ञानिक किसी भी वस्तु को लेबोरेटरी में जा करके उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको अलग अलग घोल में डाल करके उसका तात्विक परीक्षण करके उसमें से तत्व निकाल करके हमको बताता है, ऐसे ही हमारे जो दार्शनिक विद्वान होते हैं वो भी जो चीज़ें दिखाई देती हैं उसका तात्विक विवेचन करते हैं। तो हमारे दार्शनिकों ने जो तात्विक विवेचन किया है इस संसार का, जिसको हम देख रहे हैं, तो उन्होंने पाया कि इसमें दो चीज़ें मिली हुई हैं। ये जो संसार है असल में ये सच भी है और मिथ्या भी है, असल में ये मिला जुला है। सत्यानृते मिथुनी कृत्य, इसमें थोड़ा झूठ है और थोड़ा सच है, और इसीलिए हमको सच भी दिखाई देता है और जब विचार करते हैं तो झूठ भी हो जाता है। तो सच और झूठ को मिला करके बनाया गया है, इसलिए कभी संसार सच लगता है और कभी हमको संसार झूठा लगता है।